क्या आप अपने लिए 125 सीसी की एक बेस्ट मोटरसाइकिल लेना चाहते हो और आप कंफ्यूज्ड हो हाल ही में अपडेट हुई हीरो ग्लैमर एक्सटेक और हाल ही में अपडेट हुई होंडा एसपी 125 के बीच में? तब तो यह वीडियो खास तौर पर आप ही के लिए है, क्योंकि मैं इन दोनों बाइक के बीच में मैसिव कंपैरिजन करने वाला हूं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, आपके लिए कौन सी बेहतर बाइक होगी। इन दोनों बाइक से रिलेटेड आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल जाएंगे। सबसे पहले तो इन दोनों बाइक्स के बारे में जानते हैं और उसके बाद में फाइनल कंक्लूजन पर आएंगे। 125 सीसी के सेगमेंट में मोस्ट अफोर्डेबल कही जाने वाली बाइक हीरो ग्लैमर एक्सटेक को अब कंपनी ने अपडेट कर दिया है। जी हाँ गाइस, ये बाइक भी अब E20 के सपोर्ट के साथ में आने लगी है और इसी के साथ साथ इसमें अब आपको OBD2 का भी सपोर्ट मिल जाता है। और इसी के साथ साथ कंपनी ने इसमें कुछ नए बदलाव भी कर दिए हैं। नया ग्रेवरेल दे दिया है, टायर हगर एड ऑन कर दिया है और इसके एग्जॉस्ट को भी चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से ओवरऑल इसका जो लुक है पहले से काफ़ी ज़्यादा और भी बेहतर हो गया है। यह बाइक आपको मल्टीपल कलर्स में मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस की, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वजन की। यह बाइक 123 केजी की है, यानी कि इस बाइक का जो वजन है 123 किलो का है और इस मोटरसाइकिल में आपको ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का मिलता है। आइए अब इसको 360 डिग्री कवर करते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल। सेंटर में हीरो का 3D में लोगो मिलता है। एच शेप में आपको इसमें DRL मिलते हैं और इस बाइक में फुल LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है। इग्निशन के ऑन होते ही इसके DRL ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं, ये देखिए, जो कि इसके लुक को वाकई में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं। बाइक स्टार्ट होते ही इसकी हेडलाइट लो बीम में ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। इसका हाई बीम में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस मिलते हैं। इस बाइक में 18 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉयज का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। इसके अलॉयज का जो डिज़ाइन है अपने इस सेगमेंट में सबसे अलग है, सबसे यूनिक है। और इसके अलॉयज पर स्टेप्स भी मिलते हैं, जो कि इसके लुक को वाकई में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं। फ्रंट टायर की अगर बात की जाए तो कंपनी ने इसमें MRF कंपनी का एक बेहतर क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर दिया है, जिसका साइज है 80/118। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस बाइक में IBS मिलता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। ड्रम वेरिएंट में भी आती है, डिस्क वेरिएंट में भी आती है। इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। ग्लैमर को यहाँ पर 3D में मेंशन किया है, एक्सटेक को यहाँ पर मेंशन किया है। इसमें आपको टैंक कॉल भी मिलता है, जो कि फाइबर में है। टैंक मेटल में मिलता है। इस बाइक में 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। यहाँ पर देखिए E20 को मेंशन किया है। इस एंगल से मैं आपको इस बाइक के टैंक, हैंडल, ORVM के डिज़ाइन को दिखाता हूँ। सेंटर में हीरो को मेंशन किया है। इस बाइक के साथ में बेसिक सी की मिलती है, नॉर्मल चाबी है, कोई भी वेब की नहीं मिलती है। लेफ्ट साइड में एक USB-A चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जिसकी सहायता से इमरजेंसी में स्मार्टफोन को चार्ज किया जा सकता है। आइए इसके सभी फीचर बटन देखते हैं। इसके लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड एक पासिंग स्विच मिलता है। यहाँ लो बीम, हाई बीम स्विच मिलता है। उसके नीचे साइड टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है और उसके नीचे एक हॉर्न का स्विच मिलता है। इसके राइट हैंडल पर डेडिकेटेड एक I3S का स्विच मिलता है और उसके नीचे एक सेल्फ का स्विच मिलता है। इस बाइक की जो स्विच की क्वालिटी है डिसेंट है। इग्निशन की ऑन होते ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और इसमें कंपनी ने बहुत सारे फीचर्स दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर RPM मीटर मिलता है, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज मिलता है, डिजिटल क्लॉक मिलती है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है और डेट भी देख सकते हो, एवरेज भी देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ इसमें ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी मिलती है, ये देखिए, जिसकी सहायता से आप इसमें टर्न बाई टर्न नेविगेशन भी देख सकते हो। बहुत सारे एडिशनल फीचर्स इसमें आपको मिलते हैं। इसमें टोटल 2 ट्रिप मीटर मिलते हैं, Trip 1 and Trip 2, और बाकी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स जो हैं वो ऊपर की तरफ मिलते हैं, ये देखिए, इसमें साइड स्टैंड इंडिकेटर भी मिलता है। इस बाइक में कंपनी ने 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 FI 4-stroke 2-valve हीरो कंपनी का एक बेहतर क्वालिटी का इंजन दिया है। जी हाँ गाइस, अब इस बाइक में कंपनी ने E20 का भी सपोर्ट दे दिया है और इसी के साथ साथ ये बाइक जो है OBD2 को भी सपोर्ट करती है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.72 BHP की 7500 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.6 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर। इसके इंजन से आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, पावर भी अच्छा है, टॉर्क भी अच्छा है। और इसी के साथ साथ अब इसमें जो BS6
फेज टू वाला जो सपोर्ट मिल गया है उसकी वजह से ये बाइक जो है अब फ्यूचरिस्टिक बाइक भी हो गई है। यानी कि जब भी अब एथेनॉल पेट्रोल में 20% मिलकर आएगा तो ये बाइक जो है आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी, फ्यूचरिस्टिक बाइक हो गई है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स मिलता है, 5 गियर मिलते हैं। इस बाइक की सीट का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, सिंगल सीट मिलती है। इसकी सीट जो है राइडर और पिलियन के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी है। एक यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलता है इसके ग्रैब रेल में, ये देखिए अब इसमें ये सॉलिड मेटल का ग्रैब रेल मिलता है, डुअल ग्रैब रेल मिलते हैं जो कि इसके लुक को अब वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना रहे हैं। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो रियर में मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं। इस बाइक में चेन सेट कवर मिलता है, देखते हैं किसका है, फाइबर का है भाई। बात करते हैं पीछे वाले टायर की, पीछे भी कंपनी ने MRF कंपनी का ही एक बेहतर क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर दिया है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं जो कि है 180/18। फ्रंट वाले टायर से पीछे वाला टायर आपको चौड़ा मिलता है। रियर टायर में जो ग्रिप्स हैं कुछ इस तरीके की हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर रियर प्रोफाइल, टेल लाइट आप देखिए हैलोजन बल्ब के साथ में ही है, एच को यहाँ पर मेंशन किया है। ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि LED में हो, लेकिन नहीं भाई, हैलोजन बल्ब के साथ में है। साइड टर्न इंडिकेटर नॉन फ्लेक्सिबल मिलते हैं, हैलोजन बल्ब के साथ में ही है। नंबर प्लेट लाइट की अगर बात की जाए तो इसमें भी हैलोजन बल्ब ही मिलता है, यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर मिलता है। नेक्स्ट बड़े बदलाव की अगर बात की जाए तो अब इस बाइक में टायर हगर भी मिलता है, गजब की बात है भाई, यहाँ पर हीरो को मेंशन किया है। और एक और अच्छी बात ये है सॉलिड आयरन रॉड का यूज़ किया गया है, ये देखिए। रियर ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो रियर में भी आपको 130mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, चाहे आप इसको डिस्क वेरिएंट में लो या फिर ड्रम वेरिएंट में लो। नेक्स्ट अपडेट की अगर बात की जाए तो इसके एग्जॉस्ट को बदल दिया है, यानी कि इसके साइलेंसर को अब बदल दिया है, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया है। और इस पर आपको एक सिंगल मफलर मिलता है जो कि ब्लैक कलर में है, ये देखिए। और इस बाइक में किक स्टार्ट का भी फीचर मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगेन स्टार्ट करके मैं आपको इस बाइक के इंजन का साउंड सुनाता हूँ और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनाता हूँ। इग्निशन के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है, सिंगल अटेम्प्ट में ये स्टार्ट हो जाती है। अब आप इस बाइक के इंजन का साउंड सुनिए और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनिए। ये देखिए ग्लैमर ही है नई वाली। ये है 2023 की न्यूली लॉन्च होंडा SP125, जिसमें कंपनी ने अब बहुत सारे नए नए बदलाव कर दिए हैं। ये बाइक जो है E20 को सपोर्ट करती है, BS6 फेज 2 वाली है और इसी के साथ साथ OBD2 का भी सपोर्ट कंपनी ने अब इस बाइक में दे दिया है। ये बाइक जो है आपको मल्टीपल कलर्स में मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस बाइक के डायमेंशंस की। ये बाइक 117 किलो की है और इस बाइक में ग्राउंड क्लियरेंस आपको 160mm का मिलता है। आइए अब इसका वॉकराउंड करते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो इस बाइक में फुल LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है, यहाँ पर LED को मेंशन किया है। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये मिलता है, इग्निशन के ऑन होते ही इसकी हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, ये देखिए। बात करते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन की। फ्रंट में कंपनी ने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए हैं। इस बाइक में 18 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉयज का बैडन कुछ इस तरीके का है, मुझे पर्सनली इस बाइक के अलॉयज का बैडन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बात करते हैं फ्रंट टायर की। फ्रंट में कंपनी ने MRF कंपनी का एक बेहतर क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर दिया है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं जो कि है 80/118। बात करते हैं इस बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम की। इस बाइक में CBS मिलता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। फ्रंट व्हील में कंपनी ने 240mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दिया है। ये बाइक जो है दो वेरिएंट में आती है, आप इसको डिस्क वेरिएंट में भी ले सकते हो, ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में भी ले सकते हो। इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है। इसके टैंक काउल की वजह से यह फाइबर में मिलता है। होंडा को यहाँ पर 3D में मेंशन किया है, लोगो मिलता है होंडा का, न्यूली ग्राफिक्स मिलते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके के पैटर्न में है। यहाँ पर कार्बन फाइबर मिलता है। सबसे बड़े अपडेट की बात की जाए तो ये देखिए E20 को ये बाइक अब सपोर्ट करती है। इस बाइक में आपको 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, नए वाले ग्राफिक्स मिलते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके के पैटर्न में अब आते हैं। इस एंगल से मैं आपको इस बाइक के टैंक हैंडल ORBM के डिज़ाइन को दिखाता हूं जो कि कुछ इस तरीके का है। आइए बात करते हैं इसके सभी फीचर बटन की। इसके लेफ्ट हैंडल पर यहां पर एक इंटीग्रेटेड स्विच मिलता है, जिससे आप 3 काम कर सकते हो, लो बीम, हाई बीम और पासिंग।
उसके नीचे साइड टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है, ये देखिए, और उसके नीचे एक हॉर्न का स्विच मिलता है। इसके राइट हैंडल पर यहाँ पर एक इंडिकेटर स्विच मिलता है जिससे आप दो काम कर सकते हो, इंजन को स्टार्ट कर सकते हो और इंजन को स्टॉप भी कर सकते हो। हैंडल के सेंटर में यहाँ पर होंडा को मेंशन किया है। इस बाइक के साथ में आपको दो चाबियाँ मिलती हैं, ये देखिए, वेब कीज नहीं मिलती है, नॉर्मल चाबी हैं। इग्निशन के ऑन होते ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। इस मोटरसाइकिल में फुली डिजिटल मीटर मिलता है, ये देखिए, फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, डिजिटल क्लॉक मिलती है, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, इसमें दो ट्रिप मीटर मिलते हैं, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये देखिए, रियल टाइम एवरेज भी देख सकते हो, माइलेज भी देख सकते हो, और इसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी मिलता है, और बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो हैं वो ऊपर की तरफ मिलते हैं। इस बाइक में आपको 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 FI 4 स्ट्रोक 2 वाल्व होंडा कंपनी का एक बेहतर क्वालिटी का इंजन मिलता है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.72 BHP की 7500 RPM पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.9 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर। जी हाँ गाइस, इसमें कंपनी ने अब BS6 फेज 2 वाला इंजन दे दिया है। इस मोटरसाइकिल में 5 गियर मिलते हैं, पहला गियर आगे लगता है, बाकी के सभी गियर पीछे की तरफ लगते हैं, और इस बाइक में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड इंजन का टॉप फीचर भी मिलता है। साइड पैनल का बटन कुछ इस तरीके का है, नए नए ग्राफिक्स मिलते हैं, ये देखिए, SP125 को मेंशन किया है, ये भी नए स्टिकर के साथ में आया है। फुल फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, इस बाइक की सीट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। इसकी सीट जो है राइडर और पिलिन के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, और इसी के साथ साथ सॉफ्ट भी है। ग्रेवरेल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखिए, क्योंकि सॉलिड मेटल में मिलता है। बात करते हैं इसके रियर सस्पेंशन की। गाइस, रियर में आपको मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं। चेन साइड कवर मिलता है जो कि फाइबर का है। बात करते हैं इसके रियर टायर की। रियर में भी कंपनी ने MRF कंपनी का ही एक बेहतर क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर दिया है। सबसे बड़े बदलाव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मिलता है, ये देखिए, टायर साइज 100/80/18। जी हाँ गाइस, फ्रंट वाले टायर से अब रियर वाला टायर चौड़ा मिलता है। ये है इस बाइक की प्रॉपर रियर प्रोफाइल। टेल लाइट में कंपनी ने हैलोजन बल्ब का यूज़ किया है। होंडा का स्टिकर मिलता है। नंबर प्लेट लाइट की अगर बात की जाए तो इसमें भी कंपनी ने हैलोजन बल्ब का ही यूज़ किया है। यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर मिलता है। थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल साइड टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं, इसमें भी कंपनी ने हैलोजन बल्ब का ही यूज़ किया है। रियर टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती हैं, ये देखिए। अब ये मोटरसाइकिल जो है पीछे से काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लग रही है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रही है इसके टायर चेंज होने से। बात करते हैं इस बाइक के रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, इस बाइक में आपको CBS मिलता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। जब भी आप पीछे वाला ब्रेक अप्लाई करोगे तो फ्रंट वाला जो ब्रेक है ऑटोमेटिकली लगेगा। रियर व्हील में कंपनी ने 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम दिया है, चाहे आप इसको डिस्क वेरिएंट में लो या फिर आप इसको ड्रम वेरिएंट में लो। नेक्स्ट चेंज की अगर बात की जाए तो कंपनी ने इसके एग्जॉस्ट को चेंज किया है, ये देखिए, अब पहले से शॉर्ट कर दिया है, कॉम्पैक्ट कर दिया है। इस पर कंपनी ने सिंगल मफलर दिया है जो कि क्रोम में है, इसके लुक को वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना रहा है। इस मोटरसाइकिल में आपको किक स्टार्ट का भी फीचर मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब मैं आपको इस बाइक के इंजन का साउंड सुनाता हूं और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनाता हूं। इग्निशन के ऑन होते ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है, सिंगल अटेम्प्ट में ये बाइक स्टार्ट हो जाती है। इसमें साइलेंट स्टार्ट का फीचर मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब आप इस बाइक के इंजन का साउंड सुनिए और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनिए। एग्जॉस्ट नोट सुनिए, हीरो कंपनी अपनी इस नई बाइक पर 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 70,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है जो कि इस सेगमेंट में काफी ज्यादा है। अब बात करते हैं इसके माइलेज की। आप इस बाइक से मैक्सिमम 60 तक का माइलेज निकाल सकते हो, फिर वो आपके राइडिंग पर डिपेंड करता है और आपकी बाइक की कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इसके सभी वेरियंट्स की और उनकी प्राइस की। गाइस, हीरो ग्लैमर एक्सटेक जो है टोटल 2 वेरिएंट्स में आती है। आप इसको ड्रम वेरिएंट में भी ले सकते हो, डिस्क वेरिएंट में भी ले सकते हो। ड्रम वेरिएंट में इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 85,000 यानी कि 85,000 रुपए, और डिस्क वेरिएंट में इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 90,000 यानी कि 90,000 रुपए। तो ड्रम वेरिएंट वाला आपको ऑन रोड लगभग 1,02,000 के आसपास मिल जाएगा, और डिस्क वेरिएंट में यह बाइक ऑन रोड लगभग आपको 1,07,000-8,000 के आसपास मिल जाएगी। होंडा कंपनी अपनी इस नई बाइक पर 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 42,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। आइए गाइस, अब बात करते हैं माइलेज की। आप इस बाइक से मैक्सिमम
65 तक का माइलेज निकाल सकती हो। फिर वो आपकी राइडिंग पर डिपेंड करता है और आपकी बाइक की कंडीशन पर डिपेंड करता है। इस बाइक की माइलेज पर आपको थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि रियर वाला टायर जो है कंपनी ने अब वाइड कर दिया है, 1-2 किलोमीटर का ही फर्क मिलेगा, ज़्यादा नहीं। अब बात करते हैं इसके सभी वेरियंट्स की और उनकी प्राइस की। ये बाइक जो है टोटल 2 वेरियंट्स में आती है, ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम में भी आती है और डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम में भी आती है। अब बात करते हैं प्राइस की। ड्रम वेरिएंट में इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 85,000 और डिस्क वेरिएंट में इसकी एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 90,000। दोनों के बीच में लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। ऑन रोड प्राइस की अगर बात की जाए तो इसका ड्रम वेरिएंट ऑन रोड लगभग आपको 1 लाख रुपये के आसपास मिलेगा और इसका डिस्क वेरिएंट ऑन रोड लगभग आपको 1,05,000 रुपये के आसपास मिलेगा। आइए गाइस, अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। सबसे पहले बात करते हैं हीरो ग्लैमर एक्सटेक नई वाली किसे लेनी चाहिए। जिस किसी को भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी पसंद हो, ये बाइक उनके लिए परफेक्ट है क्योंकि इस बाइक में आपको बहुत सारे एडिशनल फीचर्स मिलते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। इसमें आपको ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी मिलती है और इसी के साथ साथ भाई इसके लिए आपको 2 से 3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा भी पे करने होंगे। भाई अब बात करते हैं होंडा SP 125 किसे लेनी चाहिए। सबसे पहले तो जो भी अपने 2-3 हज़ार रुपये बचाना चाहता हो, ये बाइक उनके लिए एकदम से परफेक्ट है। जिस किसी को भी होंडा की बाइक्स अच्छी लगती हैं, ये बाइक उनके लिए परफेक्ट है। और वैसे तो अब इस बाइक में कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलती है क्योंकि इसमें कंपनी ने रियर वाला टायर भी अब चौड़ा कर दिया है। दोनों ही बाइक्स अब जो है फ्यूचरिस्टिक बाइक हो गई हैं, BS6 फेस 2 वाली हैं, E20 को सपोर्ट करती हैं, OBD2 मिलता है। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए तो भाई मैं आपको दोनों ही बाइक्स 100% रिकमेंड करता हूँ। अब मैं उम्मीद करता हूँ इन दोनों बाइक से रिलेटेड आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे और आपने इन दोनों में से एक बाइक भी सिलेक्ट कर ली होगी। जो भी बाइक आपने सिलेक्ट की है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो मैं आपके कमेंट को इसी वीडियो में पिन करूंगा, जिससे क्या होगा आपके कमेंट को लाखों लोग देखेंगे। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।